और वो देख रही नीचान वो आंटी जी देख रही हाँ। तो था नहीं कोई किस्सो याद आओ जी कोई दादू जी था फटा को बुलाए हुए कोई दिन चौटा पड़ेगा करोगे तो तो फिर मेरे जन्मदिन पे आ रहे हो क्या? जय सिया राम भाई लोगों से भाई लोग कैसे हो मस्त हो मजे में हो तो मजे में रहना चाहिए। आज एक और नया व्लॉग लेके आया और इस व्लॉग के अंदर भाई डायरेक्ट धूप के दर्शन करा रहा हूँ आपके और धूप के साथ साथ आपको दिखाऊं परेशान व्यक्ति ये अरे देखकर परेशान व्यक्ति क्यों आयो कहीं बशेक दियो धूप के मायने भाई मम्मी मैंने 11:30 बजे धूप में ले आई जी एक रील बनानी चाहिए आजकल मैं डेली एक रील बनाऊंगा अब बज रही है 1 बजे की पुणी ये कहीं 2 बजे की थी नहीं नहीं पुणी एक है 1 बजे से तावड़ कमाई के जागो लाल गाल होगा सनस्क्रीन लगा रही थी छेड़ दियो सारी सनस्क्रीन कर गई तेले बा मारी कई गारंटी जी कमाई तो सट देख उन कर ली तो सट देख ले तो ओ हो हो अठिन देखो ते चुंदड़ी उंदड़ी लगा दीदी तैयार हो रही नाटक क्यों कर नाटक कहीं खा करो चू कहीं क्यों तो तू जब देख बनावा जो आवाज बाहर निकल रही है ब्लॉग में रील का माई की आवाज कार्ड बाटे मन बर बर में छेड़ना पड़ता है बोलिए लाल तो मेहनत करो लाल को ना क्यों दीदी अब दीदी को बड़ा थोड़ी देर में मम्मी और एक कुर्सी और टूट गई मारा बजन सु पलट दई एक जून ने दे तो काई करे 400 रुपए कुर्सी को नाश कर दियो 400 काई कोने 400 रुपए अच्छा हां और ले दे खाली क्यों ले दे जरूरत ही को ना कुर्सी की पड़ी जी तो लाने बारन में जाल ले रहे जो बड़ते पलट दे टूट गई तो भाई अबे पहली ए रील वील बना दी जो ई वजह से मैं ब्लॉग कौन चालू करियो आज तक सुबह को ई काम में लाग रही जो आज दिलबर का दीदार दूरा रहता है और वो देख रही नीचान वो आंटी जी देख रही हाँ। कोई घूंघट पे रील बनाई है दीदी सुन तू कत्ती जल्दी कर देगी आज कंटेंट हाँ। और अब मम्मी जी ने घंटा लगाओ आस पड़ोस ने देख हम टाइम खराब कर जा दो तो आज मैं दिमाग में घुले पड़ो अब भाई लोगों पता ना घूंघट वाला दीदी के साथ कैसा लगा रील रील में तो ऑल टाइम लग लो आज थोड़ी होली रील में तो कम से कम 15 दिन लग जाए कम से कम महीनों भर लग लो रील अब हम प्रोडक्शन में जाएगी तो चलो मेरी रोटी खा दी भूख लगी लेकिन दीदी तेरी चुंदड़ी अच्छी लग रही है आज मन ये मेरा जीवा हुआ था ना हाँ। मेरे भाई ने उड़ाई थी मैं गिफ्ट करी जा yes. तो अब तक संभाल मिल मिली जानी हाँ, मतलब संभाल रहा कुछ जा रहे वाह यार चलो दूसरा था पर उड़ गई ये हो रहे मजे स्कूल भी नहीं गए फोन भी चलाना है आज भाई इसको हमने जल्दी उठा दिया था लेकिन उसके बाद नाटक चालू हो गए दूसरी सब्जी बना के फिर बोलता है भिंडी खानी है ऐसा क्यों करते हो आप बताओ आज स्कूल की छुट्टी कर ली दीदी दूसरी सब्जी बना के बोलते भिंडी खानी है और फोन देखने साइज खराब होगी तो होती है ना दीदी मोटे मोती छोटी छोटी आई जाएगी बोल रही है ये फोन नहीं देखता थोड़ी देर देखेगा है ना बहुत राजा बेटी एप्पल काटो भाई बहुत सारी चीजें चाहिए इनका बट है और दीदी आजकल शाम में पता भाई कर जाए जी 8 बजे खाना खिलाया 9 बजे से शुगर चेक कर वाले मशीन लेट पीछे पीछे भाग जाए क्योंकि की शाम ना आधे नाम लो आ रही है मामा शुगर चेक कर दो और फिर जैसे आई ना मामा 2 किची ला दो प्लीज किची का मतलब किशमिश 2 किशमिश ला दो और क्या खाते हो शाम को एप्पल उससे पहले किन्नू मतलब इसने मेनू बना रखा है खुद का पर्सनल कि अब अगर शुगर चेक होगी तो लो आ जाए तो बढ़िया काम हो जाए खैर अच्छी बात है भगवान करिए एकदम ठीक हो जाए तो इसको खूब सारा खिलाए फिर तो भाई खाना आ गया रोटी ट्रिपोले और ये धनी गोभी की आलू की सब्जी दी भाई एकदम स्वाद लग रहे जो खाना तो अब खाओ ना काई चीज है आलू गोभी बीन्स हां ये बीन्स क्या होते हैं ये वो है ओह माय गॉड बताओ क्या होता है नहीं दीदी जोरा मटी हाथ मत गले मारो बड़चा आज को काको बृहस्पतिवार को बुधवार आज अरे यार फिर तो चल खा ले ए बृहस्पतिवार से आज बृहस्पतिवार ही तो गई खाएगी सवारी हो चुकी है दुकान के लिए रवाना और रील के चक्कर में भाई डेली लेट हो रहा हूँ दुकान के लिए फिर पापा खैर सुबह नाश्ता वास्ता कर जाते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं वरना फिटनेस बना दी भाई पिताजी है मेरी अब यहाँ से हमारे गाड़ी निकालना एकदम मुश्किल सा काम हो जाता है उस तरफ दीदी ने गाड़ी लगा दी इस तरफ मेरी गाड़ी ये देखो ये खड़ा मोटा ये लगा दी दीदी ने गाड़ी अब गाड़ी मेरी निकले कहाँ से ये हो जाता है चक्कर क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को फिर भाई राउंड सीट दो देखो जैसे अब ये दीदी गाड़ी आनी होती तो मेरी निकल जाती ना एक बार ये प्रॉब्लम होती है टाइम पर रोटी बनाओ चला रील बना रही मम्मी तो सब देखे तो छे मम्मी के साथ ने आ रहे भाई अब इस उम्र में जा कहीं चाला काट जाए कई लोग बात भी कर फिर बात कर वाला को था ना एक चीज बताऊ मैंने एक बड़ो बुजुर्ग आदमी खियो जो की बात कर वाला हमेशा था की बात ही करता रह जाए बस काम पर ध्यान दो था काम से जवाब दो और बन मत ही जवाब मिलता चले जाए
सेठ और मुनीम धोनी का धोनी देखो बातें लाग रहे जाए मारे दुकान पे समय पर आबोस्तान को परेशान थोड़ी नेक्स्ट टाइम पे आना चाहिए ना दुकान पे नहीं इस ज्यादा टाइम पे तो कहीं हूं भाई मारो टाइम भैया बाबा दोपहर 3-4 बजे मैं फिर 12-1 बजे तक आई जाऊंगा नहीं गलत टाइम है ये आपका फिर आपको आना चाहिए दुकान पे सुबह 9:30 बजे अच्छा और फिर सोना कितनी बजे चाहिए रात को उसी समय सो जाओ जिस समय अपन सोते हैं रात को 12:30 बजे सोते हैं उठते हैं और घर कब जाऊं घर चले जाओ 9 बजे दुकान पे बैठ और व्लॉग कब बनाऊं व्लॉग तो दिन में बन ही जाता है अरे वाह पापा वास्तव में ब्लॉग बनाने में कहाँ टाइम लगता है बताओ ये कहाँ से सीखी ट्रिक क्योंकि ये ट्रिक मेरे दादाजी की तो नहीं सिखाई हुई नहीं ब्लॉग तो वैसे ही दिन भर में बनी जाता है ना ऐसे कैसे बन जाएगा पापा आप सुबह 9:30 बजे मेरे को बुला लोगे 12:30 बजे मैं रात को सोऊंगा तो फिर एडिट कब करूंगा एडिट तो रात को 15 मिनट में कर लेते हो आप 15 मिनट में जाए एडिट और क्या धन्य हो भाई धन्य हो भगवान करे सो पापो सबने ही दे सो पापो 15 मिनट में एडिट कैसी हुई है बता दो रोज करते हो 15 मिनट में अरे पापा 2 घंटा लगते 15 मिनट तो मैं वाला बनाऊं चुकी पापा एडिट कर 2 घंटा पहले एडिट करूं मैं अच्छा 2 घंटे लगते मामा मैंने एक चीज बताओ जी टाबरा की उम्र में था छोटा छोटा था बिल्कुल तो था नहीं है कोई किस्सो याद आओ दादू जी था कोई फटाको बुलाए हुए कोई दिन नहीं कौन बुलाया तो सीधा तो कौन जाओ पते ऐसा तो नहीं हुआ यार ऐसा तो हो ही कौन सके कोई टाबरा तो सीधा अपनी जनरेशन में कौन हो सका पहले किन हो सका आज जनरेशन पहले की थोड़ी जे ए बार 1968 का मॉडल से ज्यादा पुराना मेसी ट्रैक्टर आगो जो पते पैदा हुई जी पहले यार मतलब पापा तो फिर नया जमाना का सब मॉडर्न जमाना में जनरेशन था तो वो थे जब पैदा हुए थे वो 20वीं से दीजिए 19वीं चाहिए 21वीं चाहिए कहीं जी 19वीं अच्छा सन का हिसाब से दियो जाए चलो फिर तो सही है भाई मारा दादाजी जने जो आज भी पुराना पैटर्न नहीं फॉलो करे जो बने ट्रैक्टर ज्यादा सुहाओ ना खेत कमाए भाई ले तो बहुत पहले आ जाए लेकिन हाथ की मेहनत पे भी स्वास्थ्य ज्यादा करे जाए हाथ की मेहनत से खेती बढ़िया हो जाए ते बाबा दादाजी चार सारो दियो कोई महीना 2 महीना खेती कराओ दादाजी खेती वाली है दादाजी खेत कमाए बताओ भाई पूरी जितनी भी गुआड़ी चले जी खेत सब्जी में ज्यादा लादे दादाजी तो बे कहीं कर ला जी मिर्ची कोई नीचे लटक रही जमीन तोड़ ले ला कोई गड़बड़ी चीज भी नटा दे ला मतलब केयरिंग को काम करे खाली भाई बाड़ी खराब ना हो जाए सही बात तो बस उसी काम को आप आगे जाके संभालो अब जैसे मैं आपके धंधे को बढ़ा रहा हूँ आप अपने पिताजी के धंधे को बढ़ाओ फूफा जी फेरा को ले बाबा ने पार्षद वार्षद पता उन्हें काय काय लिखा मिले थे गाड़ी वाला फूफा जी ते पावर को तो मिस यूज करो जो भी था पार्षद वार्षद काय काय लिखा मिले जो ते तो कान ले एमएलए बन जावला तो गाड़ी के पास इन पिल्ला गाड़ी काय लिखा ला पार्षद की गाड़ी है तो पार्षद लिखाना पड़ेगा अच्छा गोने वाने चला रखे सीट बेल्ट लगा ले भाई वार्ड नंबर 46 के पार्ट से दे एक चीज देखेंगे ते बार भाई एक लेडीज स्कूटी पे ले निकलवा लगी तो वो मोटरसाइकिल छोरो जने चाहे गाड़ी में ठुक जाते लेकिन रोक और पहली भी लेडीज के घूम रही बिन ठेड़ ताने पार कराए रोड ने यार आदमी को दिमाग खटे छे यार बाबा जी काई हिसाब का आदमी छे यार मतलब रोड पर ठुक जाला लेकिन लेडीज स्कूटी चला रही थी तो काई हिसाब चला रही थी बिन देखो जरूरी है यार वो काई बाजू को था वो बिन देखो जरूरी है मतलब सोच को एक अलग ही लेवल जा रही थी लोगों को तो फूफा जी आज कहां चल रहे हैं अपन अम्बावाड़ी जा रहे हैं अम्बावाड़ी प्रोजेक्ट है चलो भाई काले वाली जाए थोड़ी चलो ऑफिस भाई मेरा और फूफा जी का जो ऑफिस का काम था वो हो गया कंप्लीट और अब कहाँ चल रहा है फूफा जी अभी कॉफी शॉप कॉफी की इतनी छोड़ने लगी क्या आपकी चलो भाई अब कॉफी पियेंगे मस्ती यादव जी की कोल्ड कॉफी पियो लो बुढ़ा पा मुकड़े दांत टूट जाए ला फूफा जी लेकिन भाई क्या करे हमारा फूफा बदमाश है घर भी जाएंगे ना क्या मतलब है एक दिन बताओ मर वो खड़े लिखे दादा चलते चलते लोग मर रहे हैं मर तो रही हो जाए लेकिन वो खड़े लिखे तो यो लो भाई नहीं वो ऊपर से जो गंदे कर्म करते हैं उनका टिकट ऑटोमेटिक कट जाता है नहीं ये जो पुजारी जी पंडित जी कोई हाथ देख वाला बताओ चीजों नहीं ये सब बकवास है मेरा खुद का भविष्य को पता नहीं होता खैर भविष्य तो कोई बता ही नहीं सकता लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है मरना कर्मों पे डिपेंड कर्मों पे है ना बिल्कुल जैसे कर्म करेंगे वैसे ऊपर से टिकट बन के आ जाता है इसी हिसाब से तो आप सल्ट जाने चाहिए थे ऐसे थोड़ी है यार मजाक कर रहे थे देखो कर्म करो मजे करो किसी के आत्मा मत दुखाओ दिल मत दुखाओ यार कहीं पड़ जो दिल दुखाओ हम क्यों पाजी मस्त रहो था सो कोई चीज नहीं बैठ रही जने आग लो था नहीं लगे भाई यार आदमी आपका टाइप को नहीं आप ही टाइप का को नहीं छोड़ दो मना कर दो आत्मा मत दुखाओ यार कोई राम राम सा दो कॉफी बना दो कोल्ड बढ़िया हमारे फूफा जी कहीं कर दिए ड्रग्स की जेना सोगा आगे तो कहते कॉफी पियो जोशी मारो छोटे ले रहे मन फूफा जी ने भाई साहब कोल्ड कॉफी इतनी पसंद आई सिगरेट भी तो पियो थे मिराज विराज नहीं रजनीगंधा कुछ भी नहीं कहीं बोल आज कुछ भी नहीं यार सारा गलत शौक तो थे ही करो जो सारे गलत शौक और करते मैं नहीं करता सब छोड़ दिया रे तो फूफो तो बदमाश हो वो बदमाश है तो आज भी से यस बताओ टेस्ट आज बहुत बढ़िया हुआ एक चीज देखो वो जी हमेशा हो ना जब टेस्ट एक ही मिलता है फूफा जी जरा का गुच्ची का कोई लोगे के कोट वोटी सेल लगी हुई है क्यों काई दिक्कत आ रही है मेरे को बताओ लोकल आइटम में नहीं लेता भाई लोकल कौन है फूफा जी ये बढ़िया जरा कह रहे हो देखो लेडीज यार सब ले ही रही है यार ठीक है मेरे को पसंद नहीं है ऐसी बात बस खरीदना
फूफा जी लोकल कोई वोकल बनाए कुछ भी ब्रांड हो ऐ बताओ कहीं करे पैर पैर छोरा हो चाहे छोरिया हो देखो चाहे मई हूँ चाहे फूफा जी हो बेटा कर हजार का ज्यादा कर लाई हूँ 3,000 का ये लाया हूँ 5,000 का कंपनी का देखो अतरो गमंड सही कौन से गमंड की बात नहीं अब बदमाशी था निकाल दे सामने दुकान है उस दुकान से लाके पहन लूंगा पर यहाँ से नहीं क्यों यूज आउट नहीं यूज आउट है यूज जन थ्रो हो सकता है कोई इससे यूज के हुए हूँ तो भाई आज फूफा जी में मार्केट घूम रहे थे तो भाई फाइनली अपन अपनी गाड़ी में वापस आ गए और गाड़ी को धुलवाएंगे देख रहे हो बीट वगैरह सब कुछ लगी हुई है जहाँ पे फूफा जी का वो दोस्त है ना वहीं पे ले जाते थोड़ा पानी वानी मार के एकदम साफ कर देते गाड़ी को पहले एक बार विचार बना था कि नानी के चलते लेकिन फिर मम्मी बोली कि यार शिवा की ठंड की वजह से क्या पता खांसी जुकाम हो जाए हल्की हल्की आज हो रही है बोली कल या परसों तक देखते थोड़ा दिन के टाइम ही चल के आ जाएंगे ताकि जल्दी फ्री हो जाएंगे तो एक बार फूफा जी गए अपनी घर गाड़ी खड़ी करने और इसी के अंदर बैठ के फूफा जी चलेंगे साथ में 15 मिनट लगी पूरी गाड़ी का पानी मार दिया एकदम फर्स्ट क्लास में खुद ही मारी जो भाई चम्मा चम कर दियो गाड़ी ने आप कपड़ा मारना खाली बाकी वो काम होगा नक्की तो डक पसू उतार ले जाए एक बार नीचे प्रेशर मशीन से धोने का तो स्वाद ही अलग है एकदम चमाचम हो गई खाली कपड़ा मारना रहा है शैम्पू वैम्पू कुछ नहीं लगाना तो एक ऐसी मोटर में भी लाऊंगा यार घर पे देखो एकदम कीचड़ वीचड़ सब निकल गया सारा क्योंकि इस गाड़ी के अंदर क्या यहाँ पे आता है कपड़ा लगा हुआ ये और ये भाई ये मिट्टी उतरती नहीं घर वाले प्रेशर से तो लाना ही पड़ेगा तो सारो कचरों मारो फिर लड़े बारह तक ऐ दो जिम तो आओ मैं दो जिम देखो खटे दानी तू मुंह खोल रखा है भाई खांसी हो गई चलो इंजेक्शन खाने का टाइम हो गया खाना खाना है कि नहीं खाना तो इंजेक्शन खाना पड़ेगा पहले इंजेक्शन लगता है बेटा फिर खाना आजकल पता नहीं क्या हो रहा है इतना जिद्दी होता जा रहा है ना दिन ब दिन इतना ज्यादा बिगड़ रहा है ये बच्चा उच्च मत इस बच्चे की तो और सुनो मेरी बात एक अब सुसु नहीं कर सकते बेड पे नए कवर भी लग गए हैं समझ गए और सुसु करते हो तो ठीक है खुद की साइड करो मुझे क्यों गीला कर देते हो क्यों करोगे चौटा पड़ेगा करोगे तो तू तू करूंगा भाई ऐसे सोता है उस तरफ थोड़ी सोएगा मेरे एकदम ही चिपक के और फिर गीला कर देता है पिछली रात को तो नहीं किया बता देता है वैसे अक्सर लेकिन कई बार तो चलो इंजेक्शन खोलते और इंजेक्शन लगाते भाई और अब आप लोगों के सामने इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप लोग बोलते हैं यार सुशील भाई देखा नहीं जाता इंजेक्शन लगाते हुए तो इसके पहले लगाएंगे एक इंजेक्शन फिर लगाएंगे दूसरे इंजेक्शन ये रहे दोनों रेडी पड़े हैं भाई और सर्दियों में एक आराम रहता है कि इंजेक्शन को फ्रिज में नहीं रखना पड़ता ना ही टेम्परेचर नॉर्मल करना पड़ता जैसे है वैसे उठा के लगा दो बस तो अब ये लगाते उसके बाद ये खाना खाएगा खाओगे ना खाना काहे की सब्जी खानी है भिंडी बोलो भिंडी बिन्नी इसको बोलना आता है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करता है खुद जोर से बोलने के चक्कर में और पता है पिछले 2-3 दिन से मम्मी के साथ क्या चोट कर रहा है मम्मी को ऐसे बोलता है कि मेरे लिए ये सब्जी बना दो ये बना दो फिर आखिरी में जो मम्मी बना के लेती है तो क्या बोलता है भिंडी खिलाओ ये नहीं खानी जो नहीं कदिल तुम पे आया जुली okay. कदे पापा ये गाना डांस करे था समर नहीं ये करके टुन टुन फिर को मतलब पापा था उस पे आ रही कौन करे मैं करे तो कोई सच नहीं तो नहीं अरे मम्मी आदमी का कोई शक है क्या अब कर भी काई ले लन नहीं करे तो इबो कोई शक से नहीं भाई कोई अपने पास चारा तो रही नहीं ना अब तो ये बात करो आप मम्मी आप कौन से तीर्थ जा रहे हो छोड़ो ये पीछे गई ये चीजें जुली 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 रह गई रह गई जुली जुली रात गई बात गई वो आया तो फिर भी मम्मी पापा का कोई गाना गाया था अब गानों तो आवई कौन तो कहीं गाओला वो गड्डी लेके आया बस गड्डी लेके आया है चलो मेरे लिए क्या खाना बना रहे हो आपके लिए बनाते हैं ये सुबह की सब्जी नहीं खाऊंगा मैं हल्दी बना दो यार मम्मी मजा आ जाए भाई हल्दी की सब्जी जिसने खाई है उसको पता होगा कि एक नंबर सब्जी लगती है भाई स्वाद आ जाता है खाते ही और अब मैं इन दिनों जल्दी क्यों आ जाता हूं क्योंकि शिवा के इंजेक्शन लगाना पड़ता है शादी ब्याह के सीजन सल्ट गए तो 10-15 दिन थोड़ा सा आराम रहेगा और एक छोटी सी ट्रिप हम प्लान कर रहे हैं कहां की कर रहे हैं आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा मेरा मन तो वैष्णो देवी जाने का है लेकिन हमारा मोटा पता नहीं कहां लेके जाएगा देखो क्या होता है क्यों मोटा वैष्णो देवी भी चलेंगे और कैंची धाम भी चलेंगे इन दोनों में से प्लान है तो फिर जिम कॉर्बेट भी देख के आए वहाँ पे शेर वेर मिलते बताए सभी देख के आएंगे तो फिर हे माँ माता जी क्या कर रहे हो अच्छा लड्डू बना रहे हैं दादाजी के लिए अच्छा हे प्रभु जगन्नाथ क्या हो गया हे प्रभु श्रीनाथ जगन्नाथ प्रभु ये क्या हुआ क्या हुआ क्या किया जा रहा है देखी सब्जी खा लियो अन्य ना काटी काड़ो काड़ो खरी चाहिए देखो ये देखो हल्दी की सब्जी बनी है मेरे लिए फेवरेट हल्दी की सब्जी खाओ और आ जाओ लड्डू खा लो और ये दादाजी के लिए बन रहे हैं काहे का लड्डू हल्दी के और मेथी के लड्डू बनाए जा रहे हैं आज और बैंक वैंक जाए है सैटरडे संडे छुट्टी वालों तो फिर मेरे जन्मदिन पे आ रहे हो क्या किसने कह दिया नहीं आ रहे छुट्टी नहीं मिलती साहब कोई बात नहीं भाई मेरे लिए छुट्टी नहीं मिल रही तो फिर मैं बर्थडे वाले दिन वो गाना गाऊंगा ऐसे फोन रख के ऊपर ही हूँ कोई बात नहीं यार मैं सोचा था बर्थडे पे कोई सुहावनी वामनी कर दूं लेकिन अब नहीं करूंगा क्यों कर लो अब आप आई नहीं मैं अकेली थोड़ी जिमती तो सुहावनी में काई मतलब से आपका घर खाई नहीं हो जाना मैंने कर दिया मतलब मेरे जन्मदिन पे नहीं आ रहे फिर मतलब आपको मेरी याद आएगी फिर आप रोके वहाँ ज्यादा नहीं बोल रहे मुझे मैं नहीं रोटी वाली बट चलो आप नहीं फिर कहीं आप अकेले कोने में रो
ना ना आप तो कहीं इमोशनल को ना मता जी ना हो तो मेरे तो आराम ही है, मैं भी नहीं आऊंगा, मेरे तो मजे ही है। और इधर देखो देखो गाड़ियां का चचा के और फिर खेल रहा है। अब फोन पता नहीं कहाँ से मिल गया इसको, फोन बंद कर लो एक बार, मामी से बात कर लो। मामी अपने बर्थडे पे आई नहीं रही, आ जाओ बर्थडे पे। आते हैं, ओके? नहीं आ रही, ऐसे बोली मैं नहीं आऊंगी। आप लोग गंदे हो, ऐसे बोली। आज स्कूल कौन गया गुगलो गुगलो? अच्छा सुबह उठ गया था टाइम पे, उठने के बाद इसने एक घंटे ऐसी गेड़ी काटी ना पूछो मत। अच्छा बोला मेरे को नहीं उठना, ये नहीं करना, मतलब इसको पता चल गया भाई ये टाइम कैसे भी निकाल दे अपन। डांस ज्यादा होना नहीं क्यों? और माँ के मोटो भाई चाहे भाई साहब हल्दी का मम्मी काका लाडू बनगा अभी तो काका ही कुल घर खा कुदड़ा बाल दी बाल दी। हेलो सभी भाई लोगों को, बहनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ना प्यार से याद करने के लिए आप लोगों को। बताओ हम लोग, मुझे नहीं इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। अच्छा और आप भूल गए जो मैं भूली नहीं थी, मुझे लाया नहीं गया था वीडियो कॉल में, लेकिन मुझे अच्छा लगा देख के तो मुझे नहीं भूल, बहुत बहुत सही मेरे दिल से बहुत अच्छा लगा। लाया नहीं गया था मेरे ही सामने मेरी ही बेइज्जती। हाँ तो आपके सामने और आप तब मेरे भाई बहन। चलो तो गाड़ी दिखा दूँ आपको एक बार, दिखा दो ये देखो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो आज हाँ वॉश करवा के लाए, वॉश करके लाया हूँ, करवा के नहीं। अच्छा छूत करी दीदी तन बढ़िया लगी फिर कोई भरोसा नहीं, काल में बोल लगा थी कोई नजर लगाई। अरे वो मैं कल ही लाऊंगा इनकी गाड़ी, बिल्कुल ही नहीं लाऊंगा भाई साहब, अब समझ में आ गया कर दी गड़बड़। मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को इतने इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखे, भाभी को लाओ भाभी को लाओ, थैंक यू सो मच। और भाभी जो है कुछ कमेंट में पूरी हुई है। तो भाई ये वाले लड्डू बना रही मम्मी मेथी के, और वो उधर रख दिए भाई हल्दी के, देखो आप दिख रहे अच्छे से आपको दिख गए होंगे, हल्दी के और मेथी के दोनों लड्डू जाएंगे मेरे दादाजी के लिए। हर साल है ना मम्मी बना के भेजती है दादाजी के लिए स्पेशल लड्डू, क्योंकि दादाजी सर्दी सर्दी में यार यही चीज खाते हैं, उसके बाद तो कुछ खाते नहीं है भाई घी का कोई आइटम। बीपीपी हाई रहता है उनका। अच्छा बीपीपी हाई रहता है, चलो कोई बात नहीं। और यार देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, ये जो अपन शांति से लड्डू खा पा रहे हैं और शांति से घूम पा रहे हैं, शांति से अपन को लगता है कि सब चीजें बढ़िया बढ़िया हो रही है, इसकी वजह से हो रही है। कभी सोचा आपने जो अपने देश के लिए जो आर्मी है जैसे फौजी भाई है जो माइनस में 23 डिग्री माइनस 15 डिग्री माइनस 18 डिग्री उनको रात को ओढ़ने के लिए रजाई नहीं मिलती, पीने के लिए पानी नहीं मिलता भाई उनकी वजह से। तो वैसे मेरे मन में बहुत दिनों से था कि ये चीज बोलूं, लेकिन अपने एक सब्सक्राइबर भाई उन्होंने मेरे को 3-4 बार बोला सुशील जी आप बोलो बोलो, काफी बार मन में आया लेकिन मैं बोल नहीं पाता, कुछ ना कुछ कारण से भूल जाता हूँ, दिमाग से निकल जाती थी। लेकिन यार देखो अपने इंडियन आर्मी को हैट्स ऑफ है भाई, हैट्स ऑफ जो इतना सब कुछ झेल के और अपन को सिक्योर करती है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है उन जवानों को, वास्तव में भाई मानना पड़ेगा। तो चलो भाई आज के व्लॉग को कर देते हैं अब यहीं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आसपास कूड़ा कचरा मत फैलाओ, राम राम। और हाँ जय जवान जय किसान।